नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। प्रभात खबर में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है बिहार एस्टेट को लेके, और इस अपडेट के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो बहाली होगा, आपका जो जो भी आपको जो भी बहाली होगा उसका प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, बहुत ही अच्छी खबर आपके सामने अभी आने वाला है। प्रभात खबर है पटना के एडिशन में, आप देखिएगा 13 अप्रैल 2021 के एडिशन में आप देखिएगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ उस न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 4 में चले जाइएगा, और पेज नंबर 4 में नीचे में आप देखिएगा, नीचे में एक अपडेट आ रहा है। अपडेट क्या है देखिएगा, यहाँ पे ये अपडेट है, ठीक है। यहाँ पे ये अपडेट है, अपडेट क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पेपर जूम किया मैंने, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ शायद आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ आप लोग दिख रहा होगा कि बिहार परीक्षा विद्यालय, ये पॉइंट आप देखिएगा, बिहार परीक्षा विद्यालय समिति पटना दिनांक 2/4 को ऑनलाइन विधि से परीक्षा जो करवाई गई थी एसटेट की 2019 को, जो फिर से 106 विद्यार्थियों का एग्जाम करवाया गया था, उसके बारे में अपडेट यहाँ पे दिया जा रहा है। अपडेट क्या है देखिएगा, इटट सभी संबंधित अभ्यर्थियों को अभिभावक सूचित किया जाता है कि दिनांक 2/4 को ऑनलाइन परीक्षा हुआ था, जिसका वेबसाइट www.biharboardonline.com पर 13/4/2021 को अपराह्न से 17/4/2021 तक, पूर्वाह्न तक, मतलब शाम तक शायद बोला जा रहा है कि रिजल्ट को अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। जो नहीं रिजल्ट नहीं, जो प्रश्न पत्र है मतलब आंसर की होगा उसको अपलोड किया जाएगा। उपयुक्त परीक्षा के उत्तर कुंजी, अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, कुछ भी होता है, तो आप उसमें त्रुटि को कंप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। और सभी वेबसाइट जो होगा, आपको जो भी ऑब्जेक्शन होगा ग्रीवेंस में जाके एस्टेट में जाना, ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। और इसके लिए आंसर की को देखने के लिए एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ करके लॉगिन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन पैनल खोला है, और जो भी आपको शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि क्योंकि बिहार में जो बिहार एस्टेट का है उसका प्रोसेस अभी प्रोसेस जारी है, उसे रोका नहीं गया है। तो जब तक 106 विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम था, जो भी एग्ज़ाम हुआ था 2 अप्रैल को, अगर वो एग्ज़ाम जब तक क्लियर नहीं होगा, उसका रिजल्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। और बिहार एस्टेट ने इसे रोका नहीं है, इसे कंटिन्यू किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा खबर है। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द आपको हो सकता है कि आगे का भी प्रोसेस देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि इसके बिना कुछ आगे नहीं हो सकता था, पहले इसे क्लियर करना था, तभी सभी का जो बहाली होगा वो साथ में करवाना था। तो ये कुल मिला के अच्छी खबर है आप लोग के लिए, और कोई भी अपडेट आता है बिहार एस्टेट के लिए तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ। और ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, अभी मुझे लगता है कि क्लियर दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। थैंक यू।